नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से RBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आप सब ला रही है। कितने स्टूडेंट की 90% से ऊपर बनेगी, कितने स्टूडेंट की 80% से ऊपर बनेगी और कितने स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन से ऊपर इस बार परसेंटेज बनने वाली, इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। साथ में दोस्तों जो RBSE बोर्ड है उसने नया यहाँ पर दोस्तों आदेश दिए हैं सभी स्कूलों को अपने अंक हैं वो अपलोड करने को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको RBSE बोर्ड की सभी प्रकार की अपडेट वो मिलती रहे। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के अंकवार निर्धारण के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अभी तक दोस्तों आपके 17 अंक है वो 1 जुलाई तक भेजने थे, लेकिन अब दोस्तों आपके जो सभी अंक है वो अपलोड किए जाएंगे, जो आपकी परसेंटेज है वो निर्धारित की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 8वीं में सर हमें ग्रेड मिली है तो किस आधार पर हमें अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों 8वीं की परसेंटेज आपकी 10वीं के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर आपको ग्रेड है तो मैं आपको ग्रेड बता देता हूँ। अगर आपकी दोस्तों ग्रेड ए है, ए प्लस है, तो आपकी 10वीं में परसेंटेज 91 से 100 के मध्य बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 91-92 यानी कि 91 से 100 के बीच में आपकी परसेंटेज बनेगी। अगर आपकी दोस्तों ग्रेड ओनली ए है, ए प्लस नहीं है, तो आपकी 76 से 19 के बीच में आपकी जो है दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज बनेगी, 76 से 90 के बीच में बनेगी। अगर आपकी ग्रेड बी है तो आपकी 61 से 75 तक के मध्य परसेंटेज बनेगी। अगर आपकी ग्रेड सी है तो आपकी 41 से 40-60 के मध्य बनेगी। अगर आपकी ग्रेड डी है तो आपकी दोस्तों यहाँ पर थर्ड ग्रेड यहाँ पर परसेंटेज बनने वाली, यानी कि दोस्तों 35 से 40 के मध्य। फेल भी, फेल कोई विद्यार्थी नहीं होगा दोस्तों, सभी को पास किया जाएगा, यानी कि 33 से नीचे किसी की परसेंटेज नहीं मिलेगी, सभी स्टूडेंट पास होने वाले हैं। तो दोस्तों 8वीं का जो रिजल्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है रिजल्ट में दोस्तों। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी 8वीं में कम मार्क्स आए थे, लेकिन उन्होंने 9वीं और 10वीं में जमकर मेहनत की थी, उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं निराशा लाहत लगने वाली है। यानी कि उनकी जो 8वीं की परसेंटेज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन उनकी परसेंटेज 8वीं में कम बनी थी, अब उन्होंने तैयारी की थी 10वीं में। तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं के आधार पर आपका 10वीं का रिजल्ट बनेगा, इसी आधार पर दोस्तों आपकी जो 10वीं के आधार पर दोस्तों 12वीं का रिजल्ट बनेगा। लेकिन 8वीं बोर्ड परीक्षा 17/18/19 के अंक बाहर जारी करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं राजस्थान शिक्षा संघ राधा कृष्ण ने। पंजीकरण शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर को ज्ञापन लेकर 8वीं बोर्ड परीक्षा के अंक जारी करने को लेकर कहा है, क्योंकि आपकी जो 10वीं परसेंटेज बनेगी वो परसेंटेज के आधार पर बनेगी, आपकी ग्रेड नहीं दी जाएगी। लेकिन 8वीं में ग्रेड दी तो ऐसे में दोस्तों बोर्ड को काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी उनके रिजल्ट निर्धारण करने में, और उसके बाद दोस्तों 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आपका जुलाई के थर्ड वीक में जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के थर्ड वीक में आपका रिजल्ट है जारी किया जाएगा, जल्द ही आपकी दिनांक की घोषणा की जाएगी, तो आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।